लोन फ्रॉड मामले में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। ये हैदराबाद की एक कंपनी है और कहा जा रहा है कि ये नीरव मोदी केस से भी बड़ा हो सकता है। सोर्सेस का मानना है और सलाहकारों का मानना है, लेकिन क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। ये खबर है, द सीबीआई हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड फॉर एलिजली चीटिंग अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ऑफ ₹7,926 करोड़। ये मामला सामने आया है। ऑफिशियल्स के हिसाब से ये जानकारी आ रही है। पीपल फेमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड दैट द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड इज इवन हायर देन व्हाट फ्यूजिटिव नीरव मोदी ओव्स टू बैंक्स इन इंडिया। 49-year-old इज करंटली फेसिंग एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स एंड इज लॉज इन अ यूके जेल। ही ओ 7,700 करोड़ टू इंडियन बैंक्स। ट्रांसट्रॉय विच डील्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ब्रिजेस, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रिलेटेड वर्क एंड इज ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस इज करंटली अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस एज पर एन ऑर्डर बाई NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन September 2019। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसट्रॉय एंड इट्स CMD चेरुकुरी श्रीधर श्रीधर, द CBI हैज नेम्ड एज एक्यूज रायापति संभाज शिवा राव, हु इज द एडिशनल डायरेक्टर इन द कंपनी, एंड अक्किनेनी सतीश एडिशनल डायरेक्टर इन द FIR रजिस्टर्ड एट इट्स बैंगलोर यूनिट। ये खबर आ रही है। एजेंसी ने बताया है दैट ऑन फ्राइडे रेड्स कैरिड आउट इन हैदराबाद एंड गुंटूर एट द प्रीमाइसेस ऑफ एक्यूज्ड पर्संस एंड रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फ्रॉड। CBI स्पोक्सपर्सन RK गौर सेड दैट ट्रांसट्रॉय हैड अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट्स फ्रॉम कंसोर्टियम फॉर्म्ड विद अदर बैंक्स लेड बाय कैनरा बैंक। इट वॉज फर्दर अलेज्ड दैट द एक्यूज्ड हैड इन्वॉल्व इन falsification, fabrication of books of accounts, forging of stock statements, tampering of balance sheets, round tripping of funds, etc. It was also alleged that he accused misappropriated bank funds and diverted the loan amount sanctioned by the banks and caused loss of 7,926 crore approx to Canara Bank and other member banks. The account had become NPA, non-performing asset, and the fraud was reported. गौर जो कि स्पोक्सपर्सन है CBI, उनके हवाले से ये खबर आ रही है। तो ये एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर और डिस्कस करूँगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।